हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ट्रेडिशन है और स्टेट है, ट्रेडिशन है घटक और ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट, फिर मधुबनी और ट्रेडिशनल पेंटिंग एंड सिंघे कबाब्स, खबाब है ठीक है, सिंध दर्शन फेस्टिवल, ये जो है स्टेट दिया हुआ है केरला, बिहार और जम्मू कश्मीर। तो देखिए 2 और 3 हमारा सही है, मधुबनी पेंटिंग आपको पता है ये बिहार से है और सिंघे खबाब सिंध दर्शन फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर से है। ये घटक जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है वो पंजाब का है ना कि केरला का। देखते हैं यहाँ पे, घटक इज अ मार्शल आर्ट ऑफ पंजाब इन विच वुडन स्टिक्स लाठीज आर यूज टू स्टिमुलेट स्वॉर्ड इन स्पैरिंग मैचेस ठीक है। तो जो स्वॉर्ड्स होते हैं तलवार, उनकी जगह पे जो है लाठीज वगैरह वुडन स्टिक्स का यूज़ किया जाता है ठीक है ना। मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग इज़ अ यूनिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग ठीक है, यहाँ पे मिथिला रीजन में प्रैक्टिस की जाती है, मिथिला रीजन ऑफ नेपाल एंड इंडियन स्टेट्स ऑफ बिहार। सिंधु दर्शन फेस्टिवल इज़ अ फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड एवरी ईयर ऑन फुल मून डे ठीक है, फुल मून डे में ये सेलिब्रेट किया जाता है, गुरु पूर्णिमा के दिन ठीक है, किस मंथ में, जून में। इट इज़ हेल्ड इन लेह इन लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कहाँ पे, लेह में, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में ठीक है। अब ये जम्मू कश्मीर, ये पुराना जो है एक्चुअली ये पेपर है, तो ये जो है लेह में सेलिब्रेट किया जाता है। मधुबनी पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच स्टेट, कौन से स्टेट से रिलेटेड है, ये बिहार से है ठीक है, बिहार से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया अ पोज इन डांस एंड ड्रामेटिक्स कॉल्ड द त्रिभंगा हैज़ बीन फेवरेट ऑफ इंडियन आर्टिस्ट एंड आर्टिस्ट फ्रॉम एंशियंट टाइम्स टिल टुडे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब दिस पोज ठीक है। एक पोज होता है त्रिभंगा पोज होता है, आपने देखा होगा कभी किसी स्टैचू में, वन लेग इज बेंट एंड द बॉडी इज स्लाइटली बट अपोजिटली कर्व्ड एट वेस्ट एंड नेक ठीक है। तो एक लेग थोड़ा सा बेंट होता है, हल्का सा आगे निकला हुआ बेंट होता है, और बॉडी स्लाइटली बेंट एंड द बॉडी स्लाइटली बट अपोजिटली कर्व ठीक है, अपोजिट वे में ठीक है, जिस तरीके जिधर पैर निकलता है उसके अपोजिट हल्का सा स्लाइटली कर्व होता है वेस्ट और नेक से ठीक है। तो इसी को कहते हैं त्रिभंगा पोस्चर, तो यही हमारा ए सही हो जाएगा, त्रिभंगा थ्री बेंट पोज, मतलब कहाँ से, एक तो लेग है, फिर आपका वेस्ट है और फिर नेक है, तो तीन जगहों से तीन बेंट होता है। इज अ स्टैंडिंग बॉडी पोजिशन और द स्टैंड यूज इन द ट्रेडिशनल इंडियन स्कल्पचर आर्ट एंड इंडियन क्लासिकल डांस, त्रिभंगा इज लिटरली मीन थ्री पार्ट ब्रेक ठीक है, कंसिस्ट ऑफ थ्री बेंट्स इन द बॉडी, द नेक, द वेस्ट एंड द नीज, विच गिव्स अ जेंटल एस शेप ठीक है, एस शेप हमें देता है ये, हैंस ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा ठीक है। देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस कुंभ मेला इज नॉट हेल्ड, कहाँ पे नहीं होता है, तो हरिद्वार में होता है आपको पता है, नासिक में होता है, प्रयागराज में होता है, बट वाराणसी में कुंभ मेला नहीं होता है, तो डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, कुंभ मेला इज अ मास हिंदू पिलग्रिमेज ऑफ फेथ इन विच हिंदू गैदर टू टेक डिप इन द होली रिवर ठीक है ना, जो है होते हैं ना लोग स्नान करने जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग, इट इज हेल्ड एवरी थर्ड ईयर एट वन ऑफ द फोर प्लेसेस बाई रोटेशन, हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन। दस द कुंभ मेला इज हेल्ड एट ईच ईयर दीज फोर प्लेसेज एवरी 12th ईयर ठीक है, हर 12 साल पे, और अर्ध, इसका डेफिनेशन अब चेंज हो गया है, इसको अर्ध प्रयाग नहीं कहते हैं ठीक है ना, कुंभ और महाकुंभ दे दिया गया है, तो अर्ध प्रयाग अब नहीं कहते हैं, इसको चेंज कर दिया गया है। तो कुंभ मेला इज हेल्ड एट ओनली टू प्लेसेज, हरिद्वार एंड इलाहाबाद, एंड एवरी 6 ईयर द रिवर्स ऑफ दीज फोर प्लेसेस आर गंगा ठीक है, हरिद्वार, गंगा हरिद्वार के तट पे जो है, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पे, कॉन्फ्लुएंस ऑफ संगम ऑफ द गंगा एंड द यमुना एंड द मिथिकल सरस्वती एट इलाहाबाद, गोदावरी जो है नासिक में गोदावरी के तट पे, और जो है उज्जैन में क्षिप्रा के तट पे ठीक है। तो यहाँ पे होता है, कभी कभी रिवर्स पूछ लेता है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स महाकुंभ इज हेल्ड, तो आपको पता है महाकुंभ कब हेल्ड होता है, तो महाकुंभ इज ऑल्सो नोन एज द पूर्ण कुंभा ठीक है, पूर्ण कुंभा टेक प्लेस ऑन एवरी 12 ईयर्स एट फॉलोइंग फोर प्लेसेस ठीक है, 12 साल पे होता है, चार जगहों पे, इलाहाबाद ऑल्सो नोन एज द प्रयाग, या फिर अभी तो इलाहाबाद कहते नहीं, प्रयागराज ही है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, अर्धकुंभ जिसको कुंभ और महाकुंभ के नाम से जानते हैं ठीक है, इज हेल्ड एट हरिद्वार एंड प्रयाग एवरी 6 ईयर, महाकुंभ मेला
हेल्ड ओनली एट प्रयागराज एवरी 144 ईयर्स। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा जो 144 साल में एक बार लगता है वो कहाँ पे, सिर्फ प्रयागराज में लगता है, बाकी तीनों जगहों पे नहीं होता है। ठीक है, तो ये महाकुंभ का जो टाइम है ये जो है आपका 144 ईयर्स में होता है। ठीक है, महाकुंभ इन विच प्लेस कुंभ मेला इज हेल्ड एवरी 12th ईयर, कहाँ पे होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, पेयर कौन सा है, देखिए चिलिया साहब फेस्टिवल ये कहाँ पे होता है, सिंधीज में। ठीक है, कौन से कम्युनिटीज में सेलिब्रेट करते हैं, सिंधीज में करते हैं, और ये पूछ रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच है, तो यही ए हमारा करेक्टली मैच है, बाकी दोनों देखते हैं क्यों नहीं है। ठीक है, नंदराज जाट यात्रा, ये जो है नंदराज जाट यात्रा, यहाँ गोंड्स दिया हुआ है, वारी वराकरी, ठीक है, ये जो है संथाल है, तो देख लेते हैं इसको। देखिए, चंदा साहिब फेस्टिवल इज अ 4-day लॉन्ग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द सिंधी कम्युनिटी, कौन सा, चंदा नहीं है, चलिया चालीहा साहिब फेस्टिवल है। ठीक है, चालीहा साहिब फेस्टिवल उनका कोई फेस्टिवल होता है, और ये फोर डेज लॉन्ग फेस्टिवल होता है सिंधी कम्युनिटी में, एंड एनुअली इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त। नंदराज जाट यात्रा इज 3-week लॉन्ग पिलग्रिमेज इन इन उत्तराखंड, एंड दैट इज ऑर्गेनाइज वंस इन 12 ईयर। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपका यहाँ पे ये सिंबॉलिक होता है ऑफ द डेटी नंदा देवी अवतार ऑफ गॉडेस पार्वती जर्नी फ्रॉम हर मैटर्नल होम टू हर हस्बैंड्स एडोब इन कैलाश, सो इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द गोंड ट्राइब। ठीक है, वारी, वारी क्या है, WARI या VARI होता है, इट इज़ एनुअल पिलग्रिमेज टू पंढरपुर, द सीट ऑफ हिंदू गॉड उथोडा। ठीक है, उथोडा, हिंदू गॉड उथोडा, इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, इन ऑनर ऑफ द डिटी, द ट्रेडिशन इज मोर देन 700-800 ईयर ओल्ड। ठीक है, और पलाखीज, ठीक है, कैरी द पादुका फूट प्रिंट्स ऑफ वेरियस सेंट्स, मोस्ट नोटेबली ध्यानेश्वर एंड तुकाराम फ्रॉम द वारी वराकरी, वन हु परफॉर्म द वारी। ठीक है, वराकरी कौन होता है, जो वारी परफॉर्म करते हैं, द सेक्ट एंड आर टेकन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव श्राइन्स टू पंढरपुर। ठीक है, सो वारी वराकरी इज नॉट रिलेटेड टू संथाल, तो ये हो गया हमारा गलत। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ दो लिस्ट है हमारा, लिस्ट वन लिस्ट टू। देखिए, लिस्ट वन में है बिहू, ओणम, पोंगल और वैसाखी। ठीक है, हमें जो है स्टेट कौन सा है, आसाम, केरला, तमिलनाडु और पंजाब। ठीक है, तो हमें मैच करना है, देखते हैं इसको। देखिए, बिहू क्या है, बिहू आसाम में सेलिब्रेट करते हैं थ्राइस इन अ ईयर, एक साल में 3 बार। ठीक है, ड्यूरिंग शोइंग हार्वेस्टिंग एंड क्रॉप, 3 बार करते हैं, शो करते हैं तब भी, हार्वेस्टिंग होती है तब भी, और जो है सोइंग हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप इन एंड इन द एटम सीजन में भी करते हैं। ओनम क्या है, ओनम केरला में सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप, सिर्फ हार्वेस्टिंग में, याद रखिएगा, हार्वेस्टिंग में, वहाँ पे शोइंग में भी, हार्वेस्टिंग में भी और एटम में भी बिहू, और ओनम सिर्फ जो है हार्वेस्टिंग में। पोंगल जो है ये तमिलनाडु में सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप, तो देख लीजिएगा दो जो है ओनम और पोंगल हार्वेस्टिंग पे, बैशाखी पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है। ओनम इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, तो केरला का है ओनम। ठीक है, केरला का, यहीं पे देख लीजिए ओनम कहाँ का है, केरला का है, और पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का है। ठीक है, बिहू आसाम और बैसाखी पंजाब। बिहू इज द फॉक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ठीक है, कहाँ का है, आसाम का है। बिहू डांस इज द फॉक डांस फ्रॉम द इंडियन स्टेट ऑफ आसाम रिलेटेड टू द बिहू फेस्टिवल, और यहाँ पे क्या करते हैं, यंग मैन और वुमेन जो है आपने कभी देखा होगा, ब्रिस्क डांस करते हैं, धीरे धीरे स्टेप्स होते हैं, हल्के हल्के, एंड रैपिड हैंड मूवमेंट, और हाथ का जो मूवमेंट होता है बहुत तेज होता है उनका। ठीक है ना, पोंगल इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, कौन सा स्टेट का है, तो ये तमिलनाडु का है पोंगल। ठीक है, तमिलनाडु का है द थाई पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ द तमिलनाडु सेलिब्रेटेड ऑन द मकर संक्रांति बाय तमिल पीपल एट द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन। ठीक है, नेक्स्ट साउथ इंडियन फेस्टिवल ओनम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये है महाबली। ठीक है, महाबली से जो है रिलेटेड है। ओनम इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द स्टेट ऑफ केरला एंड इट इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड सेलिब्रेटेड विद द जॉय एंड एंथुजियाज्म ऑल ओवर द स्टेट बाय पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर लेजेंड द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू वेलकम द किंग महाबली हुज स्पिरिट इज सेट टू विजिट केरला एट द टाइम ऑफ द ओनम। ठीक है, ओनम इज सेलिब्रेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ द चिंगम,
ठीक है, चिंगम। अब चिंगम क्या होता है, द फर्स्ट मंथ, ये पहला मंथ होता है, फर्स्ट मंथ ऑफ द मलयालम कैलेंडर। ठीक है, दिस रिस्पॉन्स दिस करस्पॉन्ड्स विद द मंथ ऑफ द अगस्त सेप्टेम्बर अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, कार्निवल ऑफ ओणम लास्ट फॉर 4 to 10 days। ठीक है, नेक्स्ट इज अथोपो इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल, तो कहाँ से है, ये ओणम से रिलेटेड है। ठीक है, पोकालम ऑल्सो कॉल्ड एज द अथोपो, अथोपो इज इंट्रिक्रेट फ्लोरल मैट लेड ऑन द इन द फ्रंट ऑफ कोर्ट यार्ड बाई मेडन्स ऑफ द हाउस ड्यूरिंग ओणम फेस्टिवल। ठीक है, तो ये जो है पोकालम, ये मैट होता है किस तरीके का, बहुत ही फ्लोरल मैट होता है, तो ये जो है कोर्ट यार्ड के सामने लगाया जाता है। तमाशा इज द फेमस फॉक फ्रॉम विच फेमस फॉक फ्रॉम फॉर्म ऑफ द म्यूजिकल थिएटर। ठीक है, तमाशा इज द फेमस फॉक फॉर्म ऑफ म्यूजिकल थिएटर, ये कहाँ पे तमाशा जो है होता है, कहाँ पे, ये महाराष्ट्र में। ठीक है, तमाशा इज द ट्रेडिशनल मराठी फॉक आर्ट फॉर्म, इट includes both singing and dancing form, it is widely performed by the theater groups within the state of Maharashtra. ठीक है, name the holy place in which the main god is different from the other three. ठीक है, तो कौन सा है, name the holy place in which the main god is different from other three. तो ये जो है जगन्नाथ है, जगन्नाथ है क्योंकि अमरनाथ केदारनाथ और जो विश्वनाथ है ये जगन्नाथ से अलग है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो अमरनाथ केदारनाथ और विश्वनाथ है are related to the Lord Shiva while the जगन्नाथ is Lord Vishnu. ठीक है, फोर मठ हैज एस्टेब्लिश्ड बाय आदि शंकराचार्य, कौन कौन से, ज्योतिर्मठ, द्वारकापुरी और श्रृंगेरी। ठीक है, ज्योतिर्मठ, द्वारकापुरी और श्रृंगेरी। ठीक है, देखते हैं, देखिए आदि शंकराचार्य वाज वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल फिलोसोफर एज वेल एज द सेवन ऑफ इंडिया, ही इस्टेब्लिश्ड फोर मठाज और जो है पीठास बोलते हैं इसको, इन फोर कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। द फोर मठाज इस्टेब्लिश्ड बाई हिम आर ज्योतिष मठ और ज्योति मठ, या इसको जोशी मठ भी कहते हैं, ज्योति या जोशी मठ इन नॉर्थ एंड गोवर्धन मठ इन पुरी इन ईस्ट एंड द्वारका पीठ इन द द्वारका इन द वेस्ट एंड श्रृंगेरी शारदा पीठ इन श्रृंगेरी इन द साउथ। He also established the fifth mutt which has the right over on the other four mathas. Next is, in India many pilgrims travel to Sri Shailam which is one of the 12 Jyotirlingas is located in. ठीक है ना, तो फिर से देख लीजिए, in India many pilgrims travel to Sri Shailam which is one of the 12 Jyotirlinga is located in. ठीक है, तो ये इसका आंसर है आपका सी, आंध्र प्रदेश नियर कुरनूल। ठीक है, आंध्र प्रदेश नियर कुरनूल। टेम्पल ऑफ श्री शैलम इज लोकेटेड बैंक ऑफ द कृष्णा रिवर अबाउट 232 किलोमीटर साउथ ऑफ हैदराबाद आंध्र प्रदेश विच इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगा। ठीक है, तो ये जो है 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं उसमें से एक है। ठीक है, श्री शैलम में, टेम्पल ऑफ श्री शैलम कृष्णा नदी के तट पे, यानी बैंक ऑफ द कृष्णा रिवर। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट द बौद्धिस्ट साइट टाबो मनिस्ट्री लोकेटेड, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। टाबो मनिस्ट्री इज लोकेटेड इन द टाबो विलेज ऑफ स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश। इट इज फाउंडेड इन 996 CE इन द तिब्बतियन ईयर ऑफ द फायर एप बाई तिब्बतियन बुद्धिस्ट। तो ये आपके हैं, ये लोगों ने क्या किया था इसको, ये मोनेस्ट्री कहाँ पे, टैबो मोनेस्ट्री ये जो है टैबो विलेज में है, स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में है, और 996 CE में जो है एस्टैब्लिश किया गया था, फाउंड किया गया था इन तिब्बतन ईयर ऑफ फायर एप। ठीक है, तिब्बतन बुद्धिस्ट थे रेंचन जैंगपो। ठीक है, तो इन्होंने जो है इसको ये इनके थ्रू जो है फाउंड किया गया था, रेंचन जैंगपो। फिर आपका है लूसोंग इज द फेस्टिवल Which is celebrated in, कहाँ पे, सिक्किम में। ठीक है, लूसोंग जो है कहाँ पे सेलिब्रेट किया था, सिक्किम में। ठीक है, लूसोंग फेस्टिवल इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ सिक्किम, इट इज़ यूजुअली सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ द 10th तिब्बतन लूनर मंथ। ठीक है, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल अमंग द बुद्ध भूटियास। ठीक है, कहाँ पे, भूटियास इन इंडिया एंड मार्क्ड बाई द ट्रेडिशनल चांग डांसिंग एंड मैरी मेकिंग। ठीक है, लूसोंग इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द मोनेस्ट्रीज इन भूटान नेपाल एंड इंडिया। इन सिक्किम ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ लूसोंग ऑफन डांस फॉर्म डिपिक्ट नरेटिवाइज्ड टेल्स ऑफ द लाइफ ऑफ द
पद्म संभव और गुरु ज्ञान, ठीक है, गुरु उज्ञान, ठीक है, पद्म संभव और गुरु उज्ञान। तो ये हमारा था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चापचार कुट इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द ईयर। तो चापचार कुट कहाँ का है? मिजोरम का है, ठीक है। चापचार कुट इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ मिजोरम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द मार्च, ठीक है। तो ये हमारा 20 क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।